इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ साथ बहुत सारी ऑन ग्राउंड भी प्रोग्रेस हमने शो की है। यही वजह है कि आज जो है वो फैटएफ के जो सरबरा हैं, उन्होंने पाकिस्तान की उस प्रोग्रेस की तारीफ की। बिल्कुल की। आज पाकिस्तान के ऊपर ब्लैक लिस्ट के अंदर जाने वाला मामला नहीं है। ठीक है, आज आज हमने जो अमेरिका को बेसिस देने के इंकार के बाद ये सब कुछ हुआ है। एंड आर यू रेडी फॉर मोर आर्म टेस्टिंग? देखें, बात ये है कि हमें उन चीजों की तरफ नहीं जाना, क्योंकि ये ऐसा एक मामला है फैटएफ का जिसके ऊपर जब हम गुफ्तगु कर रहे होते हैं तो हमारी यही गुफ्तगु जो है वो उन फोरम्स के सामने रखी जाती है। देखिए, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे मामलात की हसासियत होती है, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर अप फ्रंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान का मुफाद है कि हम जो है वो अपनी सरजमीन अब पराई जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और हम जो है पाकिस्तान पहले एक बहुत बड़ा कोलेट्रल डैमेज जो है वो फेस कर चुका है। 150 अरब डॉलर की हमारी इकॉनमी को धचका लगा, 70,000 से ज़ायद हमारी जानों का ज़िया हुआ, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की जो है वो शहीद हुए, और जो आपके सामने सारी पोजीशन वो एक स्टेटेड पोजीशन है। जहां तक रहेगी बात फैटएफ की, अब मामला है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। अब मनी लॉन्ड्रिंग कौन करता रहा, कौन परवान चढ़ाता रहा, क्या मामला होते रहे अगर उनमें आ गई, और वो मनी लॉन्ड्रिंग जब हाईलाइट होती है, जब इस मुल्क के सबका वजीर आजम मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हों और कल उनकी सजाएं जो है उसी मनी लॉन्ड्रिंग की बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी बहाल हो जाएं, तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं, उन चीज़ों को वो मद्देनजर रखते हैं। और इस हवाले से भी हम कानून पास कर रहे हैं। जहां तक रही बात तामुन के हवाले से, तो ये को कवानीन पीटीआई के फायदे के लिए नहीं है। एक चीज जो दोनों ने अच्छी बात की है, शाह साहब ने भी और राणा साहब ने भी, वो ये कि भाई आपको उस पे जुडिशरी आपके इख्तियार में नहीं है। अगर जुडिशरी से जो ये टेररिस्ट की कन्विक्शंस वाला मामला है इनका, आपका क्या ख्याल है? आप उनको फिर कन्विंस, एक मिनट आपका क्या ख्याल है? ये तमाम बातें जो है वो हम नहीं करते। पहले जो है वो जबानी खर्च, जमा खर्च हुआ करता था। उन जबानी जमा खर्चों, इनके अदवार में जो जबानी जमा खर्च था, उस जबानी जमा खर्च की वजह से आज हम इन हालात के अंदर पहुंचे हैं। अगर कंक्रीट स्टेप्स लिए होते, इन चीज़ों को उस वक्त ही हम आगे ना बढ़ने देते, तो वो एक माइंडसेट ना बनाते। फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अब जो है वो सिर्फ एक पॉइंट रह गया है, उस एक पॉइंट के ऊपर भी हम अमल दरामद कर लेंगे और करके पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आ जाएगा। जो मेन बुनियादी चीज़ है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं जा रहा, ब्लैक लिस्ट में चला जाता, लिस्ट में बरकरार रहेगा। लेकिन सादिया सुन ले, अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते कि ना दुनिया आपसे तजारत करती, ना आपके ताल्लुकात होते, और आपका जो इतनी बड़ी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री बैठ जाती, लोग बेरोजगार हो जाते, और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक बहरान खड़ा हो जाता। तो उससे हमने मुल्क को बचा लिया है, उससे निकाल लिया है। ये पॉजिटिव थिंग है, इसको हम सबको जो है इसके ऊपर हम सबको इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। चलिए अल्लाह करें कि ग्रे लिस्ट से भी निकल आएं, और अब अप्रैल में नहीं, अगले साल अप्रैल में नहीं बल्कि जून में वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे एजेंडा पे होगा और इसके मामले पर बात करेंगे। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। राना साहब, जो अभी जिन इश्यूज पे हम बात करें, ये FATF वाला हो गया या इसमें IMF का मामला आ गया, मैं आप तीनों से इसलिए जानना चाह रही हूँ, जैसे शाह साहब ने भी अभी बात की कि ये तो वो मामलात हैं जिसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन आपने मुल्क को सामने रखते हुए, मुल्क का मुफाद सामने रखते हुए बात करनी है। सो इस पे किस तरीके से हुकूमत को आगे जाना चाहिए? ये IMF का, जिस तरह अभी शौकत तरीन साहब ने हमें बताया आज कि हमने उनको कहा है कि हम नए टैक्सेस नहीं लगाएंगे, लेकिन IMF डूमोर कह रहा है आपको, अभी दो तीन चीजें मैंने बताई टैक्स के हवाले से, एनर्जी सेक्टर के हवाले से, सोशल सेक्टर के हवाले से उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की है, और फिर अभी थोड़ी देर पहले मरियम साहिबा ने ट्वीट कर दिया कि जी नाहलों ने आदादोशुमार का हेर फेर करके देख लिया, हाथ जोड़ लिए, पांव पकड़ लिए, कोई मुंह नहीं लगाता तो कोई फोन नहीं उठाता,
तीसरे साल भी पाकिस्तान पूरी तरह ग्रे लिस्ट में जकड़ा हुआ है। सिलेक्टेड की ना घर में इज्जत है ना बाहर। तो मेरा सवाल यह है कि ये वो इश्यूज हैं, अगर इन पे सियासत ना हो और कोई वाकई ऐसा स्टेप, ऐसे इकदामात हुकूमत की तरफ से उठाए जा सकें जिसमें ना आपका कोई नुकसान है ना इनका नुकसान है, ये तो मुल्क के फायदे की बात हम कर रहे हैं। हमने बिल्कुल दुरुस्त बात की और मैं समझता हूँ ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन आपने इस प्रोग्राम के शुरू में देखा जो शायद फरक हबीब साहब उस वक्त नहीं आए थे, जो नासिर शाह साहब ने बात की, बात सुनी, मेरी सुनी, तो हमने तो ये कहा कि इन्होंने 26 जो पॉइंट्स थे उसको कहा पूरे किए आउट ऑफ 27, और बड़ी स्ताइश वाली बात है, और उन्होंने भी स्ताइश दी जो इन्होंने बात करते हैं प्रेसिडेंट FATF वाले, प्रेसिडेंट ने बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा, लेकिन मसला ये नहीं है, ये हर बात को उस एंगल से लेते हैं। हमारे दौर में ये ग्रे लिस्ट में खुद कहते हैं हमें मिला, हमारे दौर में ये थोड़ी देर के लिए वाइट बिग लिस्ट ग्रे लिस्ट में ये गया था, लेकिन फिर क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन आती है, उस वक्त भी ये था कि अदालतों से करवाएं, हमने कहा गवर्नमेंट के बस में नहीं है। अभी जो सिक्योरिटी काउंसिल ने, UN की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक लिस्ट दी है कि ये टेररिस्ट हैं 1200 या 1100 के करीब, इनको सजाएं दी जाएं या दिलाई जाएं। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, पाकिस्तान का एक जुडिशियल सिस्टम है, उसमें किस तरह गवर्नमेंट कह सकती है कि इसको सजा दे, और उसका मैंने सबूत भी दिया, शायद इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, फर्क सब सुन लें, एक खास माइंड सेट के साथ आ जाता है, दौड़ 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 शुरू कर देते हैं कि अब गवर्नमेंट किस तरह कर सकती है। और वो जो हाफिज सईद साहब हैं, हमने उनको पकड़ के अंदर दिया और उनको उन्होंने बरी भी किया और बेलें भी उनकी ली, आपको पता हाईकोर्ट लाहौर में, तो ये हम वहां एक्सप्लेन करते रहे जो हमारी चीजें सुनते थे और कुछ ना कुछ हम ले लेते थे, जिस तरह ये कहते आज ये होते तो पता नहीं, और जब इनको मिली कहते जी एक पॉइंट भी इन्होंने नहीं किया था, चले अगर एक पॉइंट के साथ भी हम ग्रे लिस्ट में थे तो 26 पॉइंट करने के बाद अगर पॉलिटिकली बात करें तो आपने कौन सा तीर मार लिया है। लेकिन मैं इससे हट के बात करता हूँ, जो आपने बात की है ये बात दुरुस्त है, लाज बने 26 पॉइंट इन्होंने जो कवर किए हैं वो लाज बनाए हैं, नया FATF का लॉ बना और बहुत सारी चीजें की जिसको हम इंडोर्स करते रहे और ये जाते रहे। जब हम जाते थे लॉबिंग करने के लिए पार्लियामेंटेरियन भी जाते थे, जब ग्रे लिस्ट वाला मसला था तो उसमें हमने 5-6 डेलीगेशन 10 बनाए और मुस्लिम मुल्कों में मीटिंग से पहले, जो इनकी मीटिंग पेरिस में जिस तरह हुई है उससे पहले वो जाकर लॉबी करते थे। जब वो GPS का प्लस का था इशू आया तो उस वक्त भी हमने सारे तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया आज इंडिया पर काफ़ी ब्लेम दे रहा है, जो पाकिस्तान FATF में ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू रहेगा। हालांकि मैं उम्मीद कर रहा था कि इस बार पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, ये 4 साल से सिलसिला लगातार चल रहा है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पर ग्रे लिस्ट ही रहता है, ब्लैक लिस्ट नहीं हो रहा है। ब्लैक लिस्ट होने से पाकिस्तान को असली मज़ा आएगा, ग्रे लिस्ट में वो मज़ा नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान यहाँ पर इंडिया को ब्लेम दे रहा है और इंडिया का नाम लेकर बता रहा है। तो पाकिस्तान ये वही पाकिस्तान है जो कभी कभी कहता है कि इंडिया हमें आइसोलेट कहाँ कर पाया, हम तो दुनिया में ये वो फलाना ठिकाना, और पाकिस्तान अब इंडिया को ब्लेम दे रहा है, मतलब ये आइसोलेट नहीं भी करना बोलते और हो भी जाते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान ने अमेरिका को भी कुछ हद तक ब्लेम किया है, अमेरिका को जो इन्होंने अड्डे नहीं दिए उस वजह से ये बोल रहे हैं कि अमेरिका ने ये सब करवाया है। हालांकि आपको भी पता है कि 4 साल से लगातार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बरकरार है, तो फिर अमेरिका और फलाना ठिकाना नहीं, अपनी गलतियां कभी नहीं कोस, मतलब अपनी गलतियों को कभी बताएंगे नहीं, हाइड करेंगे उनको। तो ब्लैक लिस्ट हो जाता पाकिस्तान तो ज़्यादा मज़ा आता, ग्रे लिस्ट फिर वही कंडीशन, ज़्यादा कुछ इतना फर्क पड़ने वाला है नहीं, बस एक वार्निंग और कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ पाकिस्तान अभी भी मतलब कूदेगा वही टेररिज्म और ये फलाना ठिकाना जो चीज़ें होती हैं वो करेगा। तो यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया ने हाफिज सईद का भी नाम लिया, उन्होंने बोला कि हाफिज सईद पर हमने एक्शन लिया लेकिन हाईकोर्ट ने उसको रिलीज़ कर दिया। अब यहाँ पर इनका जो निष्कर्ष है ये बोल रहे हैं कि हाईकोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है ये और वो। तो दोस्तों एक इंटरनेशनल टेररिस्ट जिस पर इतना इनाम है
उस पर इनकी हाई कोर्ट जमानत दे देती है। आपको भी पता है कि हाई कोर्ट की पाकिस्तान में क्या हैसियत है और कितना फ्री है हाई कोर्ट। इनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो तक तो आपको भी पता है कि कठपुतली है, तो हाई कोर्ट कितना फ्री होगा, वो भी हाफिज़ सईद जैसे बंदे जिसको जुकाम आर्मी नहीं कर पाती वो हाफिज़ सईद करता है, मतलब जिहादी बनाता है और इंडिया में घुसेड़ता है और यहाँ पर टेररिस्ट हमले कराता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई हमला। तो अब गाइस मैंने बोला था कि हाफिज़ सईद पर जो हाल ही में हमला हुआ था उसको लेकर भी ये इंडिया को ब्लेम कर रहे थे, लेकिन वो इनकी ही कुछ करामात थी। और हाफिज़ सईद इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, जितने दिन जिंदा है पाकिस्तान को इसी तरीके से इंटरनेशनल फोरम में परेशानी झेलनी पड़ सकती है, जिस तरीके से अभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में हो सकता है, हाफिज़ सईद जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान आने वाले समय में ब्लैक लिस्ट भी हो जाए। और आज पाकिस्तान तालिबान को अपना गार्जियन बता रहा था दोस्तों, तो इस तरीके की चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था तालिबान इज़ अवर गार्जियन, मतलब ये वही तालिबान है जिन्होंने पाकिस्तान में कितने लोगों को मारा, वो अटैक कराया, बच्चों पर अटैक कराया, और पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो तालिबान को सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली तालिबान एक इस्लामिस्ट स्टेट टाइप का जो इस्लामिक रूल इस्लाम को फॉलो करें, तो इन लोगों के प्रति तो इन लोगों का प्यार आना ही है। तो अब गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।